वेस्टइंडीज और भारत के बीच में अंतिम दो टी20 मुकाबले फ्लोरिडा में खेले जाने वाले हैं। 6 और 7 अगस्त को लगातार दो दिनों में दो मुकाबले खेले जाएंगे। और अब जो है संजू सैमसन के लिए एक खुशखबरी आ रही है, संजू सैमसन के फैंस के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। दरअसल संजू सैमसन को इन दो टी20 मुकाबलों में भारतीय टीम मैनेजमेंट मन बना रही है मौका देने का। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि भारत को अब इन दो टी20 मैचेस में से कोई एक ही टी20 मुकाबला जीतना है सीरीज अपने नाम करने के लिए। और भारतीय टीम इसी बीच में लगातार प्रयोग भी कर रही है, लगातार अपने बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेरिमेंट कर रही है, खिलाड़ियों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही है। और ऐसे में कि नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर जो है लगातार 3 मैचेस खेले हैं लेकिन कुछ ज्यादा कारनामा करते हुए नजर नहीं आए हैं। इसको लेकर के अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक श्रेयस अय्यर की जगह पर अंतिम दो टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन को भी आजमाया जाएगा। क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ जो है 77 रनों की शानदार पारी खेली थी, अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में भी अर्धशतक लगाया था। हालांकि सैमसन पहले इस सीरीज का हिस्सा टी20 का नहीं थे लेकिन केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको टीम में शामिल किया गया। तो अब उम्मीद ये कीजिए कि संजू सैमसन को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि अय्यर की जगह जब वो खेलेंगे तो कहीं ना कहीं सैमसन इस बात को भी साबित करना चाहेंगे कि अब जब उनको मौका मिल रहा है तो वो इतने रन जरूर बनाए ताकि वो दिखा सके कि एशिया कप में भी, क्योंकि 8 अगस्त को ऐसा माना जा रहा है कि उनके इंडियन टीम का जो चयन होना है उसके बाद वर्ल्ड कप का चयन होगा, तो ऐसे में उनके पास मौका होगा अपना परफॉर्मेंस यहां पर दिखा करके एशिया कप में अपना चयन साबित करें और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी जगह बना सकते हैं। लेकिन जरूरी होगा परफॉर्मेंस देना। और संजू सैमसन के लिए इससे अच्छी खबर बिल्कुल नहीं हो सकती कि जब एशिया कप की टीम का चुनाव 8 तारीख को होने की संभावना है, ऐसे में उनको मौका दिया जा रहा है। और इन दो टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एशिया कप में मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है और भारतीय टीम के लिए बड़े ही बेहतर वो साबित हो सकते हैं एशिया कप में और आगे चलकर के वर्ल्ड कप में भी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।